और देखिए एक और खबर निकल गया, न्याजी न्यूज के आते ही जेसीबी भी आ जा गया है। बच्चों तालियां मार दो, ये न्याजी न्यूज का असर है कि न्याजी न्यूज आज कवरेज कर रहा है, लोगों से फीडबैक ले रहा है और यहाँ पे जेसीबी का चलना चालू हो गया। देखिए नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याजी न्यूज। न्याजी न्यूज आज बकनौरा के पंचायत में है, वार्ड नंबर 10 में है, जहाँ पर कोई ऐसी समस्या को दिखाने आया है। समस्या बहुत बड़ी समस्या है, समस्या हर गांव में स्वच्छता के ऊपर काफ़ी सरकार का स्कीम चल रहा है। हर जगह, हर गली में, हर मोहल्ले में वो डस्टबिन भी रखा हुआ है, सफाई कर्मी सफाई भी करते हैं, लेकिन एक जीती जागती तस्वीर बकनौरा पंचायत के वार्ड नंबर 10 की तस्वीर देखिए इस वक्त, ये आप दिखा सकते हैं। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि इस दृश्य को दिखाया जाए। ये एक गली है जो सरकारी गली है, ये दूसरा, ये हमारे नगर पंचायत रोहतास डेरी ऑन थोन के मुख्य मार्ग को जोड़ता है, ये रास्ता देख रहे हैं आप, ये सोन के तट तक ये रास्ता जाता है, सोन घाट तक ये रास्ता जाता है। अब आप बताइए, ये वीडियो दिखाने का मकसद हमारा ये है कि बहुत ही पावन पर्व दशहरा का आज शुभारंभ होने वाला है। जगह जगह से, हर गांव से, हर दुर्गा पंडाल जहां पे लगा रहता है वहां से आज कलश यात्रा का वो शुभारंभ होने वाला है। और ऐसे मौके पर यहां पर एक तस्वीर निकल कर आ रही है, शर्मनाक तस्वीर निकल कर आ रही है कि यहां पे इस तरह की गंदगी, जहां पे सारे श्रद्धालु कलश को उठाए हुए सर पर लेकर वो दशहरे के अवसर पे वो निकलेंगे और पूरे पंचायत में, जो बकनौरा का पंचायत है, वो भ्रमण करेंगे। मैं बता दूं कि यहाँ पे सरकारी भवन भी है, प्राथमिक स्कूल भी है, प्राथमिक मध्य विद्यालय भी है और यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र भी है जो कि यहाँ पे बनाया गया है। लेकिन उस जगह की तस्वीर है, वार्ड नंबर 10 की तस्वीर। मैं चलता हूँ आगे, कुछ लोगों से बात करता हूँ। जिस को लोग निचला बस्ती कहते हैं, और वार्ड नंबर 10 की जो मैं हकीकत है उसको दिखाने आया हूँ। यहाँ से देखिए यहाँ का सूरत हाल कैसा है, आप सड़क देख सकते हैं। मैं हकीकत दिखाने आया हूँ, सफाई कर्मी हमारे देखिए फिर भी इसमें अपने काम को कर रहे हैं। अब इसके आगे का मामला क्या है वो आप देख सकते हैं यहाँ इस वक्त। ये अच्छा, ये भैया ये बताइए, ये पानी कैसा है, नाली का है या नल का है या कोई घर का है, कैसा है, ये धुलाई रही हुआ है? अरे तो धो रहे हैं लोग। अच्छा, नवरात्रि आज तो धो रहे हैं सब। अच्छी बात है, नवरात्रि शुरू हो रहा है। पहले आपको मैं सारे लोगों को बधाई दे रहा हूँ चैनल पे सकते हैं। ठीक ठीक है, हम भी बधाई देते हैं आपके चैनल। अच्छा, ये बताइए समस्या क्या है, आप किसी वार्ड में रहते हैं ना, समस्या क्या क्या है? समस्या एक समस्या बताइए, जो सही है बताइए, जो हो वो भी बताइए। यहाँ नल जल का समस्या है। अच्छा, वार्ड नंबर 10 में? 10 में जी। कहीं टूटा है, कहीं डायरेक्ट है, कहीं बह रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कोई देख रेख करने वाला है नहीं। पानी बहियात बह रहा है, उपयोग सही नहीं हो रहा है। यहाँ नल से पानी निकलता है लेकिन लोग उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जितने देख रहे हैं, अभी दिखाइए कैमरा से, मवेशी सालों भर बंधे रहते हैं, आने जाने वालों को तकलीफ होता है। मवेशी से तकलीफ कैसे होता है भैया? अब आप ही क्या, आना जाना है, रोड है, गाड़ी घोड़ा आ रहा है, जा रहा है, आदमी आ रहे हैं, सारे मवेशी रोड पर ही बांधे जाते हैं। यहाँ यही समस्या है। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, क्या, हाँ बताइए आप अपना शुभ नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम प्रमोद कुमार पासवान पड़ता, मेरी वाइफ इस वार्ड का वार्ड सदस्य है जी, उसका पूजा देवी नाम है, मेरा प्रमोद पासवान नाम है। वार्ड प्रतिनिधि है यहाँ के, इस वार्ड के वार्ड प्रतिनिधि है जी जी। अभी साहब ने कहा कि जल नल योजना का यहाँ हालत सही नहीं है, पानी का दुरुपयोग होता है, क्या होता है? जी जी, ये तो उन्होंने बताया, वो तो सही बताए हैं, लेकिन हम अभी
किसी दिन तो माने नल जल का बंद नहीं है, चालू परिस्थिति में है, और अभी भी जनता बोलेंगे कि हाँ चालू नल मिल, जल मिल रहा है नल से, लेकिन इसमें क्या है टूटियां कुछ है, जैसे में कि मान लीजिए रिपेयर हुआ है, रिपेयर हुए 5-6 साल अभी 5-6 महीना हो गया, तो उसमें बच्चे लोग क्या किए हैं कि किसी को नल को तोड़ के फोड़ के जैसे तैसे करके वो तोड़ तार देते हैं। तो मान लीजिए हम वार्ड है तो एक एक बच्चे को पीछे तो नहीं रहेंगे ना। तो ये बताइए कि आप वार्ड है, वार्ड प्रतिनिधि है, आपके साथ समस्या क्या है? समस्या हमारी सबसे जनता को क्या है, मैं सबसे पहला मुद्दा रखेंगे, कचरा वहाँ फेंकने जा रहा है, मवासी रास्ता पर बांध रहा है, तो इस समस्या क्या है सबसे बड़े बात बता रहे हैं आपको, किसी का पास खाली केवल रहने की घर है, बाकी एक कट्ठा चाहे आधा कट्ठा भी किसी के पास जमीन नहीं है। अच्छा वार्ड बोल रही है, बताइए आप तो वार्ड प्रतिनिधि हैं, एक सवाल कर रहा हूँ मैं अभी, जो सवाल बहुत जरूरी है, न्याजी न्यूज इस खबर को दिखाने के लिए निकला हुआ है कि आज नवरात्र की शुरुआत हो रही है और यहाँ हर जगह पे कलश निकलेंगे और सोन तक जाएंगे और कलश को लेकर भ्रमण करेंगे, ये बताइए कि आज आपके वार्ड में या बखनौरा पंचायत में क्या व्यवस्था है? कि देखिए हमारे जितने कर्मी हैं, कर्मी को लगा दिया गया है सफाई के लिए, और देखिए सारे लोग सफाई कर कैसे करेंगे, सफाई कर दिया गया वहाँ पर, कैसा लगा हुआ है अभी वार्ड है ना? जी जी, तो वहाँ ऐसा कैसा क्यों लगा हुआ है? हाँ एक मिनट, मेरा एक सवाल है कि यहाँ के कर्मी जो हैं, कर्मी को हमारा दिक्कत हो रही है कि हमारे जो SMW जो अभी जगह दिया गया है वो कंप्लीट नहीं है सर, इसलिए कचरा यहाँ फेंका जा रहा है। अगर जिस दिन हमारा SMW जो कचरे का आड है, आड वहाँ अगर कंप्लीट हो जाता है तो सारा कचरा वहाँ जाएगा, फिर किसी को यहाँ हम फेंकने नहीं देंगे। बताइए कि कचरा यहाँ रहेगा अगले साल दशहरा में रहेगा या 6 महीने के बाद हटेगा, कब हटेगा? ये तो मान लीजिए अभी हम आज क्या होगा मान्यवर, आज अभी दशहरा का, अभी दशहरा का त्यौहार है, उसके बाद दिवाली है, उसके बाद छठ पूजा है, आज क्या होने वाला है? आज अभी हम जस्ट 10-15-20 मिनट के अंदर में हम जैस्मिन मंगवाए हैं, और जैस्मिन मंगवा के उसको थोड़ा क्लियर करवा दे हैं, अभी 10-15 मिनट में क्लियर हो जाएगा वो। प्रतिनिधि होने के सिर्फ बोल रहे हैं जी, आज ये साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, बने रहिए न्याजी न्यूज के साथ, सब में दिखाते हैं यहाँ की तस्वीर, जो कचरा पड़ा हुआ है, कचरा में कितना लफड़ा है और वार्ड साहब की बात में कितना दम है। तो क्या सफाई उफाई के मामले में क्या कहना चाहिएगा? सफाई उफाई तो होते बा, सफाई हो रहा है, अभी इतना गंदगी नजर आ रहा है, सफाई हो रहा है, सफाई हो बा, धोवाई तो बा, सब बहराई तो बा। अच्छा अच्छा, दशहरा के अवसर पे गली को धुलवाया जा रहा है। और देखिए एक और खबर निकल गया, न्याजी न्यूज के आते ही JCB भी आ जा गया है, बच्चों तालियां मार दो, ये न्याजी न्यूज का असर है कि न्याजी न्यूज आज कवरेज कर रहा है, लोगों से फीडबैक ले रहा है और यहाँ पे JCB का चलना चालू हो गया। देखिए कितनी सच्चाई में ताकत होती है और न्याजी न्यूज ने साबित कर दिया। चलिए मैं दिखा दूँ उस मंजर को जहाँ पे ये देख सकते हैं, इस वक्त न्याजी न्यूज आज इस कचरे को दिखाने आया था और इस समस्या को दिखाने आया था। इसके पहले मैंने पब्लिक ऐप पे भी देखा था, किसी गाँव के यहाँ निवासी ने पब्लिक ऐप पे इस वीडियो को डाला था। आज न्याजी न्यूज इस मामले को आकर उठाया, तो आज ये देखिए एक तस्वीर देखने के लिए सामने में आ रहा है कि JCB से आज ही काम लगा दिया गया है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात। न्याजी न्यूज का असर इस वक्त देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, पंचायत में हूँ इस वक्त और बखनौरा में हूँ, सड़क का हाल बहुत बेहतर है, साफ सफाई बेहतर है, अभी मैं तो देखा कि सफाई कर्मी झाड़ू लगा रहे थे। हाँ, तो ये गंदगी आप जो देख रहे हैं आपको कैसा लग रहा है? बहुत खराब लग रहा है, कोई सुनता थोड़े है, माना करने में भी नहीं मानता है, सब फेंकता है। अच्छा वार्ड नंबर कितने में रहते हैं आप? दस नंबर में, यही में, और ये वार्ड नंबर 10 पड़ता है। हाँ, 10 है। तो ये बताइए कि दशहरा ऐसा पावन त्यौहार जो कि बहुत आस्था का त्यौहार है, और इस फिर ऐसे में दिवाली आने वाला है, फिर आपका छठ भी होने वाला है, सारा त्यौहार इसी में है, लेकिन सोच नहीं, लोग ऐसी गंदगी फैला रहे हैं, उनके बारे में क्या कहिएगा आप? हाँ तो ये अच्छा नहीं कर रहा, आदमी कहबो करता है, कोई तो सुनता है नहीं।
झगड़ा करने को तैयार हो जाता है, फेंकने वाला फेंकता है कचरा, जबकि कचरा लेने वाला डेली जाता है सब, लेकिन क्या कीजिएगा, सब फेंकता है। एक और प्रक्रिया में लेता हूँ, एक और प्रक्रिया लेता हूँ, यहाँ पर इस वक्त सरकार भवन के पास आई, यहाँ पे मुखिया प्रतिनिधि है, मैं उनसे भी बात करता हूँ कि उनके इलाके में ऐसी समस्या है और इस तरह की गंदगी है, मैं उनसे बात करता हूँ। जी मुखिया जी, आप यहाँ के मुखिया के प्रतिनिधि हैं और ये सरकार भवन है और आपसे मुलाकात भी हो गई है। मैं अभी आपके इलाके का मैं भ्रमण करके आ रहा हूँ और इस तस्वीर को मैंने कैद भी किया है। क्या ये दशहरा का त्यौहार, पावन पर्व त्यौहार जो अभी आने वाला है, आज से जल भरी कल यात्रा भी होने वाला है, उसकी सफाई को लेकर आप क्या कहिएगा? अभी सफाई में लगा हुए हैं लोग, जो जितना है कर्मी लोग हैं लगा हुआ है, हम भी लगा है, अभी तुरंत गाड़ी 10 मिनट में आएगी इसको सफाई के लिए। लेकिन यहाँ के लोग मानसिकता बदलने की काम है, सोच बदलने की काम है कि जब तक हम अपने से सफाई नहीं रखेंगे तो सरकार कितना ध्यान देंगे, मुखिया जी कितना ध्यान देंगे, सोच को बदलना पड़ेगा, तब जाके पंचायत बदलेगा, पंचायत का रुतबा बदलेगा, समाज का चीज बदलेगा। और नहीं तो हम सफाई करा रहे हैं, अब गंदगी पर गंदगी होते जा रहा है, तो सोच तो अच्छी नहीं है। अब जब तक यहाँ पे मुखिया प्रतिनिधि बने तो क्या इसके पहले भी सफाई वही हुआ था कि जब से आप जीते हैं तब से यही हाल है ना? जब जब भी आता है पर्व त्योहार सफाई होता है, पहले तो बहुत गंदगी था और मैंने सफाई हो रहा है, पहले तो कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन जब से हम लोग आए हैं इस पीरियड में जहां हमसे सक्षम है वो चीज करने के लिए तैयार है, हो रही है। जी देखिए हमारी बात एक और यहाँ के नागरिक से हो रही है और यहाँ के एक रहने वाले हैं, क्या समस्या सर क्या है आपके? कचरा लेकर भी आता है तो उनसे हम बोलते भी हैं कि कृपया अंदर डालिए, अंदर डालिए, मेरा बात तो सुनते नहीं है क्योंकि हमारा यहीं पर खेती है, हम हमेशा देखते हैं। और जहाँ तक सफाई की बात है, जैसे छठ होता है, दशहरा होता है, उस समय जैसे जो समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला है उनका कोई कर्तव्य है ही नहीं, मुखिया प्रत्याशी क्या करेंगे, मुखिया तो गाइडलाइन ही करेंगे ना, वो तो सफाई तो करवा ही देते हैं, जैसे छठ में करवा दिए, दशहरा में कर दिए, लेकिन और जो जो समाज का प्रतिनिधि उनका कोई कर्तव्य नहीं बनता। जीती जाती तस्वीर देखिए, कुछ सफाई कर्मी भी खड़े हुए हैं यहाँ पर, क्या इनका रोल कैसा है? इनका रोल अच्छा है, हाँ घर घर तो जाते हैं जी, कूड़ा करके उठाते हैं, कचरा फैलाना भी थोड़े, इनका नाम तो कचरा रखना ही नहीं चाहिए, कचरा तो लोग जो घर में फैला रहे हैं उनका कचरा नाम रखना चाहिए। क्या बात आपने कहा है, क्या बात, कचरा वो साफ करने वाले, साफ करने वाले, इनको इज्जत से नाम लेना चाहिए, ये सहयोगी बोलना चाहिए, हमारे भाई हैं, सहयोगी हैं, कचरा वाले नहीं हैं, इनको कचरा नहीं बोलना चाहिए। कचरा वाला कौन है जो घर में कचरा फैलाता है, रोड पर बिकता है, वो कचरा वाला है, कचरा फैला रहा है, इस तरह का इसको कचरा बोलते हैं, कचरा वाला आया है, कचरा वाला, कचरा वाला तो तुम हो, समझे? इसलिए मैं बोलता हूँ कि कृपया और थोड़ा सा आगे बढ़ के देख लीजिए, कहीं नली का प्रॉब्लम है, कहीं पानी ड्रेन बना हुआ है, उसका क्या उपाय है, ये सब थोड़ा देखिए।